बिल्कुल, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के बंगले में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको अब डिप्टी सीएम नहीं बनना है, मतलब उनको अंदेशा है, संकेत मिल चुका है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें कई मंत्री हटेंगे, कई नए चेहरे शामिल होंगे और डिप्टी सीएम के पद से उनको हटाया जा सकता है। आपने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा, बीजेपी से ज़्यादा अच्छा तो जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा और इसकी वजह ये कहा गया कि कुशवाहा समाज ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया और महागठबंधन के टिकट पर कुशवाहा नेता जीते भी हैं, कुशवाहा समाज का वोट मिला भी है। तो उसी के साथ सम्राट चौधरी का जो की ताकत है वो कम हुई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अब नहीं बनना डिप्टी सीएम? और कमाल देखिए कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह बयान उस वक्त दिया जब बतौर डिप्टी सीएम वो 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में आधिकारिक रूप से शिफ्ट हुए, उस बंगले का गृह प्रवेश किया। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्यूसर, और जाहिर तौर पर दशकों से, कई दशक से आपने ऐसे सियासी पेचीदगियों को सर के जरिए समझा है, तो फिर हम सर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सर, जिस बंगले में आप बतौर डिप्टी सीएम प्रवेश कर रहे हैं, जिस बंगले का गृह प्रवेश कर रहे हैं और उस गृह प्रवेश के मौके पर आप पत्रकारों से कह रहे हैं, और सम्राट चौधरी जैसे नेता जो हल्की बात नहीं करते वो कह रहे हैं कि अब नहीं बनना डिप्टी सीएम, किसी बड़े सियासी उलटफेर का संकेत है इस बयान में? बिल्कुल, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के बंगले में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको अब डिप्टी सीएम नहीं बनना है, मतलब उनको अंदेशा है, संकेत मिल चुका है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें कई मंत्री हटेंगे, कई नए चेहरे शामिल होंगे और डिप्टी सीएम के पद से उनको हटाया जा सकता है। आपने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा, बीजेपी से ज़्यादा अच्छा तो जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा और इसकी वजह ये कहा गया कि कुशवाहा समाज ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया और महागठबंधन के टिकट पर कुशवाहा नेता जीते भी हैं, कुशवाहा समाज का वोट मिला भी है। तो उसी के साथ सम्राट चौधरी का जो की ताकत है वो कम हुई और अटकल लगाई जा रही थी कि अब कभी भी इनको डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा सकता है और अब खुद वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुझे नहीं रहना है, तो हटा दे सरकार या पार्टी उसके पहले वो खुद कह रहे हैं ताकि प्रतिष्ठा बची रहे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर उनको डिप्टी सीएम से हटने का अंदेशा होता तो फिर वो बंगले में शिफ्ट क्यों करते? 5 देश मार्ग में उन्होंने शिफ्ट भी किया, कह भी रहे हैं, बड़ा कंट्रोडिक्शन है, बंगले में शिफ्ट भी कर रहे हैं नहीं बनना डिप्टी सीएम। देखिए, अब बंगले में शिफ्ट तो कर गए हैं क्योंकि अभी तो डिप्टी सीएम हैं जी, और वो बंगला उनको आवंटित हो गया तो शिफ्ट करना था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बंगले में नहीं रहेंगे और उस बंगले में कोई रहना भी नहीं चाहता है। आप ये भी जान लीजिए उस बंगले में जो रहता है वो अपना टर्म पूरा नहीं करता है, तो उस बंगले में गए तो नीतीश कुमार ने क्या कहा? ठीक किया आप आ गए यहाँ पर। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक किया आप आ गए इस बंगले में जी। तो उस बंगले में जो जाता है, चाहे तेजस्वी हो या कोई भी रहा हो, उसका इतिहास है कि उस बंगले में जो रहा वो अपना टर्म पूरा नहीं किया। तो सम्राट चौधरी चले गए उसी बंगले में, उन्होंने कहा भी कि इस बंगले में हम रहेंगे नहीं, तो उनको पता है कि ये बंगला अपशकुनी है, 5 सितारा सुविधा तो है लेकिन वो कुर्सी भी छीन लेता है।